जापना मुगल सल्तनत बिल्कुल महफूज है। फौज के सारे सैनिक सरहद पर मुस्तैदी के साथ दिन रात चौकसी करते हैं। बहुत खूब सिपह सालार कुलदारा सिंह, हमें पूरा यकीन है कि आपकी निगरानी में हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये दिखाइए। आपको भी वही दिखाई दे रहा है बलदेव जो हमें दिखाई दे रहा है? जी जापना, राजा बीरबल के साथ खलीफा जंग बहादुर है। ये बीरबल हमारे सबसे बड़े दुश्मन खलीफा जंग बहादुर के साथ कर क्या रहे हैं? क्या इन्हें 2 साल पहले की वो महेंद्रगढ़ की लड़ाई याद नहीं? खलीफा, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी जंग है। मुगलिया सल्तनत पे हमला करके तुमने बहुत बड़ी हिमाकत की। जितनी तुम्हारी जुबान चल रही है उतनी तलवार भी चलती तो अच्छा होता। अकबर, इस बार तो तुमने बचा लिया बीरबल, लेकिन अगली बार मेरी तलवार अकबर के सीने के पार होगी। चुप आइयो। जापनम, आप ठीक है ना? खलीफा, ये कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें ये भी कहना पड़ेगा। लेकिन आप जरा बीरबल पर नजर रखिए। जी जापनम, इस खलीफा जंग बहादुर को तो हम देख लेंगे। जापना, आपके हुक्म के मुताबिक मुगल फौज को मक्कार खलीफा जंग बहादुर के खिलाफ तैयार करने के लिए हमने चीन देश के उस्ताद सिंह चाओ वांग को प्रशिक्षण का काम सौंप दिया है। मामूजान, ये कौन है? चूमा चाओमा? शहजादे उस्ताद सिंह चाओ वांग। हाँ हाँ, वही वही। यह कौन है? उस्ताद सिंह चाओ वांग चीन की बहुत ही मशहूर युद्ध कला वुशु के पारंगत गुरु हैं। वो कुछ दिनों पहले यहां आए थे और उन्होंने अपनी इस युद्ध कला का नमूना पेश किया। खूब उस्ताद वांग, बहुत खूब। हमें पूरा यकीन है कि अपने सहायक खान के साथ मिलकर आप ये युद्ध कला हमारी फौज को भी सिखा देंगे। अब अपनी ये युद्ध कला वुशु वो हमारे सारे के सारे सिपाहियों को सिखाएंगे। वासु सेना को सिखाएंगे? अब्बा हुजूर, इसे कुछ भी नहीं आता, ये सेना को क्या सिखाएगा? शहजादे, वासु नहीं, वुशु। वुशु, उसु कला युद्ध का नाम है। वुशु, यह कैसी तालीम हुई? वुशु एक ऐसी युद्ध कला है जिसमें आपको तीर भाले तलवार इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने हाथों से ही अपने दुश्मन को छटी का दूध याद दिला सकते हैं। जापना, हम बड़ी अदब से आपसे कहना चाहते हैं, हमें किसी वुशु फुशु जैसी विदेशी युद्ध कला को सीखने की आवश्यकता नहीं है। खाली हाथों से भी दुश्मन का सामना करने की कला हमारे मुल्क में भी है। ये चीनी उस्ताद वांग हमें क्या सिखाएंगे? सिपह सलार कुलधारा सिंह, कहीं आपको उस्ताद वांग से जलन तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, हमें जलन किस बात की? जहांपना, जहांपना, जहांपना,
शिफू शिफू वांग। हुजूर ये शिफू शिफू क्या कर रहा है? चीनी भाषा में उस्ताद को शिफू कहते हैं। लेकिन जनाब हान हुआ क्या? सब कुछ ठीक तो है? शिफू वांग ठीक नहीं, मुश्किल ठीक नहीं। आइए हमारे साथ। शिफू शिफू। लेकिन ये हुआ कैसे? जा बना, हम पता लगाते हैं। हकीम जी, ये क्या है? जहाँ बना, ये तो बहुत ही खतरनाक पौधे के पत्ते हैं। जहाँ बना, ऐसा लगता है जब उस्ताद वांग सो रहे थे तो किसी ने जलते हुए पौधे के पत्ते उनके पलंग के वहाँ रख दिए थे और उसी के धुएं से उस्ताद वांग को लकवा मार गया है। हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि उस्ताद वांग पर हमला करके किसे फायदा हो सकता है। बेटा वासु, जरा उठो। नाने बता जी, मेरा दोनों पैरों के दोनों अंगूठे बहुत दुख रहे हैं, मैं नहीं उठूंगा। अरे हट बेवकूफ। जहां पना, ये उसी व्यक्ति की अंगूठी है जिसने उस्ताद वांग की ये हालत की है। दीजिए जरा अंगूठी, दीजिए हमें। ये तो हमारी अंगूठी, ये हमने सिपे सालार कुलदारा को इनाम के तौर पे दी थी। कुलदारा, ये अंगूठी यहां पर कैसे? जापना, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ देर पहले तो आप ये कह रहे थे कि उस्ताद वांग से आपको कोई जलन नहीं हो रही है, लेकिन अब हमें लगता है इस साजिश के पीछे आपका ही हाथ है। नहीं जापना, ये सब झूठ है, आपने कुछ नहीं किया। ये हो क्या रहा है? हमारे सारे के सारे वफादार हमसे धोखा करने पर तुले क्यों हैं? कुलदारा सिंह, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अरे इन्हें कहां ले जा रहे हो? आए, और, आए, इन्हें नहीं, इन्हें रखिए नीचे। इन्हें कुलदारा सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए। जापना, हम बेकसूर हैं। गिरफ्तार कर लो इसे और ले जाओ। वैसे मामू जान, आज सुबह से हमें वैसे मामू जान, आज सुबह से हमें बीरबल जी दिखाई नहीं दिए, कहाँ है वो? हाँ बलदेव, जल्द से जल्द पता लगाइए कि बीरबल है कहाँ। जी जापना। बीरबल ये शतरंज की कौन सी बाजी खेल रहे हैं हमारे साथ? सरहद के उस पार हमारे दुश्मन खलीफा जंग बहादुर से मिलने की जरूरत क्या थी उन्हें? जापना, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए बलदेव, तशरीफ रखिए। बताइए बीरबल का कुछ पता चला? नहीं जापना, राजा बीरबल बिना किसी को कुछ बताए महल से बाहर चले गए। जब हमने उनके कमरे की तलाशी ली तो ये बक्सा मिला। क्या है इस बक्से में? पता नहीं जापना, हमने सोचा कि ये बक्सा आपके सामने ही खोला जाए। खोलिए खोलिए, जरा देखें। जी जापना। जापना ये देखिए, ये तो खलीफा जंग बहादुर की फौज का झंडा। जापना ये देखिए, हमारे फौज से जुड़े कुछ गुप्त दस्तावेज। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जापना, ये देखिए। हमें बीरबल से ये उम्मीद नहीं थी जापना। हमारी समझ में कुछ कुछ आ रहा है।
कि क्यों राजा बीरबल सरहद के पार खलीफा जंग बहादुर से चिप चिप कर मिलते थे। जापना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि राजा बीरबल को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं बलदेव, हम बीरबल से जानना चाहेंगे कि बीरबल ने अगर ये सब किया है तो किया क्यों। जापना के जय हो। जापना, राजा बीरबल महल में आ गए। बीरबल से मिलने का वक्त आ गया है। चलिए बलदेव। जी जापना। बीरबल, हमें सलाह देने से पहले क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपके कमरे में जो एक बक्सा मिला है जिसके अंदर खलीफा जंग बहादुर हमारे दुश्मन की फौज का झंडा है, साथ ही में हमारे फौज के कुछ खुफिया दस्तावेज हैं, क्यों बीरबल, क्यों? कोई सफाई है आपके पास? बीरबल को मुगलिया सल्तनत के साथ धोखेबाजी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बीरबल, हम जानना चाहेंगे कि अब तक कहां थे आप? जापना, हम आप ही के पास आ रहे थे। जापना की जय। जय हो, बाद में भी हो जाएगी। पहले आप हमें यह बताइए कि इतने वक्त से आप कहां थे? जापना, वो हम जापना हम... जापना, सरहद ने खलीफा जंग बहादुर के उत्तर पश्चिम पे हमला कर दिया है। क्या? खलीफा जंग बहादुर ने हमारी उत्तरी पश्चिमी सरहद पर हमला कर दिया है। क्या? जापना, क्या हुक्म है? हमारे सारे सिपहसालार और हमारी पूरी की पूरी सेना को उत्तर पश्चिमी सरहद पर भेज दिया जाए। बलदेव, नहीं नहीं जापना, अगर सभी सिपहसालार सेना के साथ उत्तर पश्चिमी दिशा में चले गए तो फिर महल और राजधानी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बीरबल, हमें सलाह देने से पहले क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपके कमरे में जो एक बक्सा मिला है जिसके अंदर खलीफा जंग बहादुर हमारे दुश्मन की फौज का झंडा है, साथ ही में हमारे फौज के कुछ खुफिया दस्तावेज हैं, क्यों बीरबल, क्यों? कोई सफाई है आपके पास? खलीफा जंग बहादुर का झंडा, दस्तावेज? जापना, हमें नहीं पता कि वो हमारे कमरे में कैसे है। फिर तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि आप सरहद के उस पार खलीफा जंग बहादुर से क्यों मिले थे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। सिपाहियों, यहां आइए, इसे पटकिए, राजा बीरबल को लेकर जाइए। लेकिन जापना, बीरबल को मुगलिया सल्तनत के साथ धोखेबाजी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ले जाइए इन्हें और कैद खाने में डाल दीजिए। राजा बीरबल, जापना की आंखों पर शक के बादल छा गए हैं, इसलिए वो देख नहीं पा रहे हैं कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। जापना, अकबर बिल्कुल सही देख रहा है। खलीफा जंग बहादुर जापना अकबर के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उसमें हम उनका साथ दे रहे हैं। क्या हो? आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो गए? हम तो आपको भी न्योता देते हैं कि हमसे हाथ मिला लीजिए। नहीं नहीं, हम कुछ भी हो सकते हैं पर एक गद्दार कभी नहीं। इस वक्त आप कैद खाने में हैं कुलदारा सिंह जी, गद्दार तो आप पहले ही माने जा चुके हैं जी। ऐसा सबका मानना है कि आपने उस्ताद वांग को जहरीले पौधे का धुआं सुंघवाया है, इसलिए आप तो गद्दार हैं ही। हमारी बात मान लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, पानी दीजिए ने, हकीम जी को बुलाइए। अरे जल्दी खोलिए।
उस्ताद वांग, यूं तो हम जंग पर जा रहे थे, सोचा आपके हाल चाल देखते चले। कैसी तबीयत है आपकी? शिफू बेहतर है। हकीम जी, यूं तो जंग जीत कर हम बहुत जल्द लौटेंगे, लेकिन तब तक आप सारे काम छोड़कर सिर्फ इनका ख्याल रखें। नहीं नहीं जहां बना, हम सारे काम काज छोड़ के इनका पूरा ख्याल रखेंगे। दखल अंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं जहाँपना। मुआफ किया, शुक्रिया। जहाँपना, आपके आदेश के अनुसार हमारी मुगलिया सल्तनत की फौज सरहद पर पहुंच चुकी है, लेकिन अजीब बात यह है जहाँपना कि वहाँ पर खलीफा जंग बहादुर की फौज का नामो निशान तक नहीं है। क्या? हाँ। खलीफा जंग बहादुर की फौज अचानक गायब कैसे हो गई? जहाँपना, हो सकता है मुगल फौज की इतनी बड़ी सेना देखकर खलीफा जंग बहादुर भाग गए होंगे। पिछली बार तो उन्होंने ऐसा ही किया था, भगोड़ा कहीं का। खैर जो भी है, आप हमारी फौज तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए कि वो वहीं पर तैनात रहे। इस खलीफा जंग बहादुर का भरोसा नहीं, कभी भी हमला हो सकता है। जी जहांपना। क्या क्या? जहांपना, एक बुरी खबर है। देखिए, खबर बुरी है या अच्छी है ये हम तय करेंगे, आप हमें बताइए कि खबर क्या है। जहांपना, वो राजा बीरबल और सिपे सलार कुलदारा सिंह कैद खाने से फरार हो गए। कौन है वहां? कौन है? कौन हो तुम? ए, कौन? कौन हो? कौन? ए, ए, कौन हो तुम लोग? शतरंज के खेल में ये तो पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है और दुश्मन की चाल क्या है, पर पिछले कुछ दिनों में हमें यकीन हो गया है जिसे हम प्यादा समझ रहे थे वो हमारा वजीर निकला, और जिसे अपना वजीर समझ रहे थे वो दुश्मनों का प्यादा। कौन? कौन है? कौन है वहां? कौन हो तुम? ए, कौन? कौन हो? कौन? ए, ए, कौन हो तुम लोग? कौन है ये गुस्ताख? उन्होंने हमारे महल में घुसकर हम पर हमला करने की जुर्रत। कौन? अरे उस्ताद वांग, आपको तो लगवा मार गया, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बल्दी, अगर दुश्मन खलीफा जंग बहादुर जैसा शातिर और मक्कार हो, हो सकता है। बीरबल आप? जी हाँ, जहां पर बीरबल, और ये है कुलदारा सिंह जी। जहां पर हमें पता है कि आपने हमें और खलीफा जंग बहादुर को सरहद के पार मिलते हुए देख लिया था, लेकिन आपने जो देखा उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। हो, हम जानते थे राजा बिलबल, आप हमसे मिलने जरूर आएंगे। देखिए खलीफा जंग बहादुर जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्द बताइए कि इस गुप्त मुलाकात के पीछे क्या मकसद। हम चाहते हैं कि अकबर के खिलाफ साजिश में आप हमारा साथ दें। कैसी साजिश? आज से ठीक दो हफ्तों के बाद शहंशाह अकबर सरहद पर इंतजाम देखने आएंगे, तब आप उन्हें अकेले दक्षिण की पहाड़ी की तरफ लेके जाएंगे और वहां पहले से मौजूद हमारे तीरंदाज उन पर हमला कर देंगे। बोलो, दोगे हमारा साथ? हम तुम्हें माला माल कर दें। आप
जंग बहादुर की साजिश में शामिल थे? जी हाँ जापन, हम खलीफा जंग बहादुर की झूठी साजिश में शामिल थे। मतलब ये कि खलीफा जंग बहादुर ने हमें भी धोखा दिया, हमें कोई और चाल बताई। वो चाहते थे कि हम उनकी बताई हुई चाल में उलझे रहे और वो कोई और चाल करे और महल में आकर आप पर हमला करे। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि खलीफा जंग बहादुर इन चीनी उस्तादों से हम पर हमला करवाएंगे? जहाँ पर ये उस्ताद वांग जो है वो चीन से यहाँ कुछ ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच गए। हमें शक हुआ और हमने गुप्तचर को भेजा और गुप्तचर ने हमें बताया कि असली वांग जो है वो अब तक रास्ते में ही है। अब दूर मतलब ये बहरूपी है जहाँ। और दूसरी बात ये कि खलीफा जंग बहादुर ने ये जानते हुए कि उसकी सेना हमारे आधे के बराबर भी नहीं है सामने से हम पर जंग कर दी। वो चाहते थे कि आप पूरी सेना सरहद पर भेज दें ताकि महल में सुरक्षा कम हो और वो यहाँ आकर आप पर हमला करें। जापाना युद्ध कला में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, अपने दोस्तों को अपने करीब रखना चाहिए लेकिन अपने दुश्मन को ज्यादा करीब रखना चाहिए। देखना चाहेंगे कि भैरूपिया कौन है? जापाना ये खुद जंग बहादुर है जाप। खलीफा जंग बहादुर तुम? और ये इनके सिपे सालार हमदानी है। बलदेव जी, सांप का जहर निकालने के लिए सांप के बिल में हाथ डाला और दुश्मन की चाल को समझने के लिए दुश्मन के करीब जाना पड़ता है। हमने भी खलीफा जंग बहादुर के करीब जाने का जोखिम उठाया और उसमें हमारा साथ दिया कुलदारा सिंह जी। सिपाही ले जाओ इन दोनों को और कैद खाने में डाल दो, ऐसा हम बाद में मुकर्रर करेंगे। ले जाओ। बीरबल, शुक्रगुजार हैं हम आपके, हमें नाज है कि आप हमारे दरबार का हिस्सा हैं। और सिपे सालार कुलदारा सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गले लग जाइए। आपके गले हम क्यों लगेंगे? आइए बीरबल आइए।